मेरी दो तीन बातें ध्यान से सुन लेना, और ये सब बहनें भी सुन लें इस बात को। कभी भी किसी माँ को गर्भावस्था हो तो उसको ऑपरेशन ना कराना पड़े, इसके लिए छोटे छोटे दो तीन उपाय। पहला उपाय ये है कि हर दिन रात को माँ को गाय का दूध पिलाना, घी डाल के, घी देशी और गाय का दूध देशी गाय का, तो गाय के दूध में एक चम्मच घी मिलाओ, थोड़ी सी उसमें हल्दी मिलाओ और रोज रात को पिलाना जब माँ को गर्भावस्था हो। दूसरा, जिस माँ को गर्भावस्था होती है ना, उसको बच्चा स्वस्थ तंदुरुस्त पैदा होना चाहिए, बीमार ना हो। बच्चे के स्वस्थ पैदा होने का सबसे बड़ा आधार है कैल्शियम। कैल्शियम नाम का एक रसायन होता है जो गर्भावस्था में माँ को सबसे ज्यादा जरूरी होता है, बच्चे के लिए और माँ के लिए। कैल्शियम अगर शरीर में ज्यादा है ना तो हड्डियां लचीली रहती, और हड्डियां लचीली रहे ना तो सारा शरीर फ्लेक्सिबल होता है, और शरीर लचीला हो तो गर्भ से बच्चा आसानी से बाहर आता, उसको तकलीफ नहीं होती ज्यादा, माँ को भी तकलीफ नहीं होती। इसलिए शरीर में लचीलापन लाने के लिए कैल्शियम चाहिए, तो कैल्शियम खिलाओ माँ को। कैल्शियम का मतलब होता है चूना खिलाओ, चूना समझते, पान में जो लगाते हैं और जो पुताई करते हैं, पुताई वाले चूने को पानी में डाल दो, 20-25 दिन पड़ा रहने दो, ठंडा हो जाएगा, फिर पानी ऊपर आ जाएगा, चूना नीचे बैठ जाएगा, उसमें से एक छोटा सा चुटकी भर चूना जीरे के दाने के बराबर, गेहूं के दाने के बराबर किसी भी गर्भवती माँ को खिलाना है, पानी में मिला के दे दो, या तो दाल में मिला के दे दो, या छाछ में मिला के दे दो, या दही में मिला के दे दो, किसी में भी मिला के खिला, थोड़ा सा चूना रोज खिला, 9 महीने लगातार खिलाना। जो माँ ने थोड़ा थोड़ा चूना रोज खा लिया 9 महीने, उसको कभी भी ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जिस माँ ने रात को दूध पिया घी डाल के, उसको कभी ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, हमारे बच्चे जो ऑपरेशन से होते हैं वो बहुत कमजोर होते हैं, दिमाग से कमजोर होते हैं, शरीर से कमजोर होते हैं। मैं तो देश भर में देखता हूँ सीजेरियन जितने बच्चे हैं, माता पिता को तकलीफ करते हैं, खुद को तो जिंदगी भर तकलीफ देने वाले। इसलिए कोई भी बच्चा भगवान की कृपा से स्वस्थ और तंदुरुस्त दुरुस्त पैदा हो, इसके लिए सब व्यवस्थाएं भगवान ने शरीर में कर रखी है, बस थोड़ी सी सावधानी की जरूरत है। तो माता इसको याद रखें, सभी भी गर्भवती माओं को बहनों को रात को दूध पिलाना घी डाल के, थोड़ी हल्दी डाल के, और सवेरे चूना खिलाना दही में, नहीं तो छाछ में, नहीं तो दाल में, नहीं तो सब्जी में, नहीं तो पानी में मिला। ठीक है, और एक निवेदन माताओं से अगर हो जाए तो, कि जो गर्भवती माताएं हैं वो भी, और स्वस्थ माताएं वो भी, और भाई भी कर सकते हैं इस काम को, 15 मिनट रोज चक्की चलाना, क्या कहते हैं उसको, घट्टी। ये जो घट्टी होती है ना, ये दुनिया की सबसे बेहतरीन एक्सरसाइजर है। इस घट्टी को चला के मैंने देखा, इस घट्टी को चलाने में सबसे ज्यादा दबाव पड़ता है पेट पर, और माँ के पेट में गर्भाशय होता है, तो बार बार जब हम घट्टी चलाते हैं तो गर्भाशय जो है ना, एक तो क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ घूमता है। और 15 मिनट रोज आपने ये घुमा दिया तो बच्चा तो एकदम स्वस्थ दुरुस्त और तंदुरुस्त ही होगा, और बिना माँ को तकलीफ के होने वाला है, क्योंकि गर्भाशय में फ्लेक्सिबिलिटी अगर है किसी भी माँ के, तो बच्चा तो आराम से बाहर आने वाला। तो 15-20 मिनट माताएं घट्टी चलाएं, अगर गर्भावस्था में है तो, स्वस्थ है तो भी चला सकते हैं, और भाई लोग घट्टी इसलिए चलाएं कि पेट अंदर हो जाएगा सवाल। ये आजकल सबकी टोन बाहर निकल आई है, माताओं का पेट बाहर आए तो समझ में आता है वो गर्भावस्था में है, ये पुरुष किस चक्कर में पेट बाहर निकला, इनकी टोन बाहर क्यों आनी चाहिए, तो ये अंदर जाना चाहिए पेट। और अंदर ले जाने का सबसे सरल उपाय है घट्टी चलाना, 15 मिनट चलाओ लेकिन रोज चलाओ, सब पेट अंदर चला जाए। और सबसे गंभीर बात माताओं से मुझे जो कहनी है वो ये कि ये घट्टी खाली मत चलाना, हाँ
इसमें कुछ गेहूं डाल लेना, कुछ चना डाल लेना, पिस तो जाएगा, कम से कम आटा तो आ ही जाएगा 15 मिनट में। खाली चलाओगे तो कुछ नहीं होने वाला, गेहूं डाल के चलाओ तो आटा आ गया, चना डाल के चलाओ तो बेसन आ गया। ये जो ताजा आटा होता है ना, ये दुनिया की सबसे अद्भुत चीज है। विज्ञान की जानकारी आज के समय की जो ये कहती है वो ये कि आटा जितना ताजा है रोटी उतनी ज्यादा दुरुस्त और तंदुरुस्त है, आटा जितना पुराना है रोटी उतनी खराब है। अब ये शहरों में पिसा पिसाया आटा मिलता है, 3-3 महीने पुराना, इसको खा के सबके पेट खराब हुए। पहले तो माताएं रोज सवेरे 4 बजे उठती थी, भट्टी चलाती थी, आधा 1 किलो आटा पीस लेती थी, सुबह काम आता था, शाम को चलाया, शाम को काम आता था, किसी के पेट इतने खराब नहीं थे। जब से ये आटा आ गया पैकेट वाला, पेट खराब तभी से हो। तो अगर आप भट्टी चलाओ, 15 मिनट में मैंने देखा आधा किलो गेहूं आराम से पिस जाता है, आधा किलो चना पिस जाता है, उतना आटा एक समय के लिए काफी है, दूसरे समय चला लो उसके लिए काफी है। तो ताजा आटा जितना आप खाओगे शरीर उतना ही दुरुस्त और तंदुरुस्त रहने वाले। आटे के बारे में आयुर्वेद में कहा गया कि पिसने के 48 मिनट के अंदर उसकी रोटी बन जानी चाहिए, रोटी बनने के 48 मिनट के अंदर उसको खा लेना चाहिए। अगर इतना कर पाए तो बहुत अच्छा है। मुझे लगता है गांव में तो ये सब कर सकते हैं, क्योंकि घट्टी गांव में जिंदा है, ये शहर वालों को मरने दो कटने दो, क्यों आप उनकी चिंता करते हैं। वो तो मूर्खों के मूर्ख हैं, उनको कितना भी समझाओ वो मानने वाले नहीं है, वो घट्टी नहीं चलाएंगे, वो जिम में जाएंगे 2-2 घंटे मूर्खों की तरह से उस पे चलेंगे, पसीना बहाएंगे, लेकिन 15 मिनट घट्टी चलाने में शर्म आती है उनको, तो उनकी जाने दो, वो तो दिमाग खराब हो गया अंग्रेजी पढ़ पढ़ के सबका। आपका दिमाग कभी भी दुरुस्त है तंदुरुस्त है, क्योंकि अंग्रेजी आपने नहीं पढ़ी, समझ गई।